हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे कि एक्सएम के अंदर हमने रियल अकाउंट कैसे ओपन करना है और उसके लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो मुझे पहले से पता होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे देख के अकाउंट ओपन करना है। सो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज रिलवाल एंड वेलकम टू forexstart.com। ओके, ये हमारी वेबसाइट है जी forexstart.com। इसके ऊपर एक्सएम का बैनर लगा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। एक्सएम के बैनर के ऊपर आपने डायरेक्टली एक्सएम.com के ऊपर लैंड कर जाना है। यहाँ पे आके आप मेंबर एबी एरिया लॉगिन करेंगे और यहाँ पे आप अपना आईडी पासवर्ड देंगे। मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है। मेंबर एरिया लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट ओपन है, लेकिन हम उसको करेंगे इग्नोर। ओके जी, हम यहां पे क्या करेंगे, ओपन एन एडिशनल अकाउंट। तो ओपन एन एडिशनल अकाउंट पे जाएंगे, तो सबसे पहले तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं मेटाट्रेडर 4 पे अकाउंट ओपन करना चाहता हूं या मेटाट्रेडर 5 पे। मेटाट्रेडर 4 और मेटाट्रेडर 5 एक ही कंपनी के दो सॉफ्टवेयर हैं। मेटाट्रेडर 4 पहले आया था, मेटाट्रेडर 5 बाद में आया है। मेटाट्रेडर 4 में कम फैसिलिटीज हैं और मेटाट्रेडर 5 में ज्यादा फैसिलिटीज एंड फीचर हैं। ये बात अलग है कि लोग आज भी मेटाट्रेडर 4 को ही पसंद करते हैं। यहां पे मेजर डिफरेंस जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि शेयर्स एंड स्टॉक्स ज्यादा है, उनके अंदर शेयर ट्रेड कर सकते हैं हम मेटाट्रेडर 5 में। अगर शेयर्स एंड स्टॉक के ऊपर आप ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप मेटाट्रेडर 4 का ही अकाउंट ओपन कीजिएगा, विच आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू। सो लेट्स एग्जांपल, हम मेटाट्रेडर 5 का अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ओके जी, तो अकाउंट हमने प्लेटफॉर्म से जस्ट पहले सिलेक्ट किया, उसके बाद आ जाते हैं अकाउंट टाइप्स के ऊपर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है, तो आज मैं अपने लिए ओपन करने जा रहा हूं एक्सएम अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट, जिसके अंदर स्प्रेड इंतहाई कम होगा और डिपॉजिट थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। अरे हाँ, उसके बाद बेस करेंसी चूज करनी है मैंने, तो मैं हमेशा यूएसडी के साथ जाता हूँ क्योंकि यूएसडी के साथ मैं कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट भी यूएसडी में ही होती है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट यूरो में है तो आई सजेस्ट यू कि आप बेस करेंसी यूरो को चूज करें। एनी हाउ, लिवरेज, अगर आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा है तो आप अपनी मर्जी करें, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है तो आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू कि 200 लिवरेज इज मोर देन इनफ। बट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $100 से नीचे है तो फिर आप 1.888 की लिवरेज चूज कीजिएगा, लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो 200 की लिवरेज इज मोर देन सफिशेंट। बोनसेस, यस, किसको बोनसेस पसंद नहीं है, तो आप अपनी मर्जी करें। अगर बोनस लेना चाहते हैं तो यस आई विश पे क्लिक करें। यहां पे आप अपना ट्रेडिंग का पासवर्ड देंगे, मैं यहां पे ट्रेडिंग का पासवर्ड देता हूं जी। तो यहां पे मैंने अपना ट्रेडिंग पासवर्ड दे दिया है और उसके बाद यस वो टर्म एंड कंडीशन को हमने एक्सेप्ट करना है, तो उसके बाद हम ओपन एंड रियल अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने ओपन एंड रियल अकाउंट पे प्रेस किया तो उन्होंने कहा जी आपका अकाउंट ओपन हो चुका है और आपकी जो ईमेल है उसके ऊपर मेल भी जा चुकी है, तो लेट अस चेक कि हमें मेल आई है कि नहीं। ले जी, हमें मेल आ चुकी है, वेलकम टू एक्सएम, और यहाँ पे हमारी अकाउंट की डिटेल्स हैं, सच एज माय MT5 अकाउंट नंबर, माय अकाउंट सर्वर, यहाँ पे एक्सएम ग्लोबल MT5 2 है जी यहाँ पे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट भी हमारे साथ शेयर किए गए हैं, टर्म एंड कंडीशन के, ऑर्डर एग्जीक्यूशन के, डिस्क्लेमर के, और रेफर फ्रेंड, बोनस प्रोग्राम वगैरह वगैरह वगैरह। आप इनमें से कोई भी अपनी सहूलत के मुताबिक पढ़ सकते हैं, लेकिन इस ईमेल में जो मेरे लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सर्वर एंड अकाउंट नंबर की ही है। पासवर्ड तो आपके माइंड में होता है और आई एम गोना strongly suggest you के never ever give your password to anyone, even not to your brother or not to your sister or not to your friend,
और स्ट्रेंजर को तो खास तौर पे कभी भी आपने अपना पासवर्ड शेयर नहीं करना। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हुआ तो आपने इसको अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। तो हम इसको लॉगिन करते हैं जी एक्सएम का जो मेरे पास सर्वर है उसके अंदर लॉगिन करते हैं जी। हम लॉगिन पे गए, ओके जी। लॉगिन पे जाके मैंने अकाउंट ना टाइप लिखा, पासवर्ड लिखा जो कि मेरे माइंड में है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वर। तो सर्वर है जी ये है जी एक्सएम का सर्वर चूज करना है। सर्वर मुझे मेल में आया था तो अकाउंट देखे हमारा लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। तो ये इसके अंदर बैलेंस है फिलहाल जीरो। जैसे ही मैं इसके अंदर डिपॉजिट करूंगा इसके अंदर मेरे फंड आ जाएंगे और आई एम रेडी टू ट्रेड इन दिस अकाउंट। सो मैंने इस वीडियो में एडिशनल अकाउंट ओपन किया विद द हेल्प ऑफ फॉरेक्स उस्ताद। मैंने अकाउंट टाइप्स चूज की, मैंने लिवरेज सेलेक्ट की, मैंने अकाउंट ओपन करने के मेल रिसीव की, और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट काम, मैंने उसको MetaTrader 5 के अंदर लॉगिन भी कर लिया। अगली वीडियो में हम कुछ नई चीज़ें लर्न करेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको देखना मत भूलिएगा, जिसके अंदर मैं आपको डिपॉजिट करके बताऊंगा। ठीक है जी, तो अपने दोनों में याद रखें, और वीडियो पसंद आए तो यार लाइक का बटन ठोक दो। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं है। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, मैं स्टील ऑफिस में बैठ के आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो लाइक ठोको, वीडियो पसंद आए तो शेयर ठोको, और मुझे अपनी दो भाई याद रखो। अल्लाह हाफिज़।